हेलो एवरीवन वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल आज हम करेंगे क्लास थर्ड की रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर सेवन जिसका नाम है द फेमस विलेजर यानी कि बहुत ही मशहूर गांव वाला ये कौन होता है ये होते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आज हम उनकी कहानी पढ़ेंगे थोड़ी शॉर्ट में उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आइए चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस बट ही लेड अ सिंपल लाइफ ही पेड लिटिल अटेंशन टू हिज अपियरेंस एंड वॉज शाई इन नेचर ही वॉज डार्क एंड स्किनी विद अ थिक मुस्टैच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे इंडिया के वो बहुत ही ज्यादा विद्वान थे ठीक है उनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी लेकिन वो अपना जीवन बहुत ही सादेपन से व्यतीत करते थे वो अपने अपियरेंस यानी कि अपने लुक्स पे बहुत ही कम ध्यान देते थे और बहुत ही शर्मीले मिजाज के थे उनकी स्किन थोड़ी सी सांवली थी और बहुत ही पतले थे वो स्किन मतलब पतले होना और उनकी बहुत ही मोटी मूछ थी डॉक्टर प्रसाद वॉज वेल नोन एज अ नेशनल रीड लीडर मच बिफोर इंडिया बेकम इंडिपेंडेंट. वंस ही हैड टू ट्रेवल बाय ट्रेन टू अ रिमोट टाउन. यहाँ पे बताया गया है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो हमारे राष्ट्र के बहुत ही अच्छे और बहुत ही जाने माने लीडर्स में से एक थे. कब? जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तब से. एक बार की बात है कि उन्हें एक बार किसी दूर के एक गांव में बाई ट्रेन जाना पड़ा इट वॉज एट ओ क्लॉक कितने आठ बजे थे इन द नाइट रात के आठ बजे थे जब उन्हें स्टेशन पर उतरना पड़ा ही वॉज वेयरिंग कॉटन धोती कुर्ता एंड अ गांधी कैप इन दिस ड्रेस लुकड लाइक एन ऑर्डिनरी विलेजर जब वो रात को स्टेशन पे उतरे थे रात के करीब आठ बजे पे तो उन्होंने क्या पहना हुआ था धोती कुर्ता पहना हुआ था कॉटन का और गांधी वाली कैप पहनी हुई थी जो वाइट कलर की होती है उस ड्रेस में वो बिल्कुल सिंपल एक आम गांव वाले की तरह नज़र आ रहे थे द प्लेटफॉर्म वॉज डिजर्टेड मतलब कि प्लेटफॉर्म पे कोई लोग नहीं थे खाली पड़ा हुआ था डॉक्टर प्रसाद लॉस्ट हिज रोल्ड बिल्ट इन द्रुक ऑफिस आर्म एंड वॉक टू देशन मास्टर्स ऑफिस उन्होंने क्या किया जो अपना बेड शीट होता है उसको रोल किया और उसका गोल बना के अपने आम पिट के नीचे डाल दिया यानी कि अपनी बाजू में उसको रख लिया और वो स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ चल पड़े विद ग्रेट पोलाइटनेस ही मे का टेलीफोन कॉल इट्स इन इम्पॉर्टेंट मैटर उन्होंने बड़ी ही नम्रता के साथ स्टेशन मास्टर से क्या पूछा कि मैं एक टेलीफोन कॉल कर सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है स्टेशन मास्टर गेस्ट एट हिम फॉर अ वाइल्ड ही थॉट द मैन इन फ्रंट ऑफ हिम वॉज अ मेयर विलेजर अब स्टेशन मास्टर ने उसे थोड़ी देर तक पहले घूरा फिर वो सोचने लगा कि ये तो एक साधारण सा गांव वाला है तो उसने क्या कहा वॉन्ट टू मेक अ कॉल डू यू थिंक यू आर वो उससे पूछता है कि तुम्हें कॉल करना है तुम अपने आप को समझते क्या हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉन्टेड टू तो इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ वो अपने आप को बताना चाहते थे कि मैं कौन हूँ उन्होंने जैसे ही कहा राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस तो बिफोर ही कूड फिनिश वो अपना सेंटेंस खत्म ही कर पाते स्टेशन मास्टर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और क्या कहा नो no, नो no. राजेंद्र प्रसाद इज नॉट गोइंग टू बी हेयर टू नाइट यू मे गो नाउ उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद अब यहाँ आज रात को नहीं आने वाले हैं तुम चले जाओ He did not allow Doctor Prasad to make his call। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टेलीफोन कॉल करने से मना कर दिया अब डॉक्टर प्रसाद इतने शायद थे कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं उस स्टेशन मास्टर को ठीक है राजेंद्र प्रसाद हिमसेल्फ उन्होंने उस स्टेशन मास्टर को एक चीज बताई नहीं की वो खुद राज से ही बात कर रहा था तो ये थी उनकी स्टोरी जो उनके सादेपन को बताती है ठीक है कि वो कितनी सिंपल लाइफ जीते थे कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते थे कि इतना महान लीडर भी ऐसा हो सकता है अब यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमें कुछ बताया गया है वो क्या है आइए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन 1942 ही पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स ऑफ अवर कंट्री यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत से जो हमारे लीडर्स हुआ करते थे जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उसके जंग में जितने भी नेता थे उसमें सबसे मेन भूमिका भी इन्होंने भी निभाई थी उन्होंने 1942 में किसमें पार्टिसिपेट किया था भारत छोड़ो आंदोलन में जिसको क्या कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ लड़ा गया था हमारी कंट्री में उस दौरान द ब्रिटिश अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम इन प्रिजन फॉर थ्री ईयर उस दौरान ब्रिटिश वालों ने इन्हें जेल में डाल लिया था पूरे तीन साल के लिए इन जेल ही रोट ऑटो ऑटोबायोग्राफी विच वॉज नाइन हंड्रेड पेजेस लॉन्ग और जिस दौरान वो अपने जेल में थे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है एक किताब होती है जो खुद पर लिखी जाती है खुद से यानी जो इंसान अपने बारे में ही खुद से लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं और वो कुल ९०० सौ की इतनी लंबी थी इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947 ऑन फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ दी सर्व एज प्रेजिडेंट फॉर ट्वेल्व अवॉर्डेड भारत रत्न इंडियाज हाइएस्ट ऑनर इन नाइनटीन सिक्सटी टू हिस्स लाइफ टीचे वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था कब हुआ था नाइनटीन फोर्टी सेवन में और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया था वो एज अ राष्ट्रपति कितने साल तक रहे थे 12 साल तक उन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था जो बहुत ही ज्यादा हाई ऑनर का अवार्ड है कब इन 1962 में इनकी लाइफ हमें किस चीज के बारे में बताती है द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी कि सिंपल रहना सादापन कितना जरूरी होता है भले ही आपके पास कितने आराम क्यों ना आ जाएं आपकी जो सिंपलिसिटी है आपका नेचर है वही आपके व्यक्तित्व को प्रकट करता है तो ये थी स्टोरी हमारी किसके बारे में द फेमस विलेजर यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आइए अब करते हैं इसकी कॉम्प्रहेंशन करेक्ट आंसर नंबर से कौन सी चीज ट्रू है प्रसाद गॉट ऑफ एट स्टेशन ही वाज़ वेयरिंग जब डॉक्टर प्रसाद स्टेशन पर जाकर उतरे थे तो उन्होंने क्या पहना हुआ था तो यहाँ क्या आएगा नंबर सी अटन धोती कुर्ता एंड अ गांधी कैप नंबर थ्री द स्टेशन मास्टर डिड नॉट अलाउ डॉक्टर प्रसाद टू मेक अ टेलीफोन कॉल बिकॉज इसका आएगा आपका नंबर सी ही थॉट डॉक्टर प्रसाद अ विलेजर एंड डिड नॉट टेक हिम सीरियसली आइए अब करते हैं ए टू पार्ट आंसर दीस क्वेश्चन नंबर वन डिस्क्राइब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपियरेंस तो यहाँ आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेड नो अटेंशन टू हिज अपीयरेंस ही वॉज डार्क एंड स्किनी विद अ थिक मोस्टैच नंबर टू वाई डे डॉक्टर प्रसाद गो टू द स्टेशन मास्टर ऑफिस तो यहाँ आप लिखेंगे डॉक्टर प्रसाद वेंट टू द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस

वट डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डू वाइल्ड ही प्रसाद्राफी ऑफ नाइन हंड्रेड पेजेस नेक्स्ट यहां दिया गया है डू यू थिंक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुड है स्टेशन मास्टर आफ्टर ही बिकेम प्रेसिडेंट वाई तो इसका आंसर आप लिखेंगे नो no.

पिक्चर आपको दी है इनको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यहाँ से यूज होगा आपने लिखना है उसके नीचे तो पहले वाले जो शख्स है उसका नाम क्या है वीरू तो अगर हम वीरू को देखेंगे तो इसकी अपीयरेंस से हमें कौन कौन सी चीजें दिखेंगी पहली वीरू इज टॉल ठीक है दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा वीरू इज डार्क राइट तीसरा सेंटेंस क्या बनेगा इज़ थिन, राइट और नीचे जो हैज दिया है कैसे बाल है उसके आइए देखते हैं कैसे बाल हैं? घुंघराले, तो इसको क्या बोलते हैं करली तो यहां आप लिखेंगे वीरू हैज करली हेयर अब बारी आती है मिस्टर मेहरा की तो हम इन्हें देखते हैं ये कैसे दिखते हैं तो यहां हम लिखेंगे मिस्टर मेहरा इज फैट मिस्टर मेहरा इज शॉर्ट ठीक है अब हैज़ हैज़ हम कब लगाते हैं मतलब उनके पास ऐसा क्या है कोई चीज़ प्रोजेस करना तो ऊपर के वर्ड्स को अगर देखेंगे तो मिस्टर मेहरा हैज़ अ बियर्ड बियर्ड का मतलब दाढ़ी होना और मिस्टर मेहरा हैज़ वेवी हेयर वेवी का मतलब होता है जो वेव की तरह यानी कि लहरों की तरह जैसे जिसके बाल होते हैं जैसे इनके हैं उसको वेवी हेयर बोलते हैं अब थर्ड बारी आती है किसकी विद्या की विद्या का अपीयरेंस देखते हैं तो इसका आएगा विद्या इज शॉर्ट और दूसरा आएगा विद्या इज फेयर फेयर मतलब गोरी है नेक्स्ट हैज उसके पास क्या है तो क्या है इसके विद्या हैज लॉन्ग हेयर यानी कि उसके लंबे बाल हैं, ठीक है

कुर्ता और विद्या ने क्या पहना है विद्या इज ओके अब हम करते हैं सी सेक्शन यानी कि ग्रामर पार्ट ग्रामर पार्ट में यहाँ पे आपको दिया हुआ है इन एट ऑन बिफोर आफ्टर बाय फॉर ये सब जो भी वर्ड्स होते हैं ये हमें क्या बताते हैं ये सारे आपको बताते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि ये सारे चीज जो है ये किसके आगे लगते हैं जो हमें समय के बारे में बता रहा हो okay? यहाँ पे आइए देख लेते हैं एक बार इन हम कब लगाते हैं जब हम किसी साल की बात कर रहे हो किसी महीने की कोई सीजन या दिन में जितने हिस्से आते हैं जैसे मॉर्निंग इवनिंग तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं इन एट कब लगाते हैं जब कोई टाइम दिया हो एग्जैक्ट टाइम या कोई एग्जैक्ट दिन या एग्जैक्ट कोई महीना या दिवाली हो गई ईद हो गई मतलब जब हमें पर्टिकुलरली बताया है कि कौन सा है एग्जैक्टली exactly हमें पता है तब हम एट लगाते हैं ऑन हम लगाएंगे कब डेज ऑफ दी वीक और डेट के लिए कोई डेट दी हो या कोई दिन संडे मंडे ट्यूसडे में से दिया हो तो उसके आगे हम ऑन का यूज़ करते हैं बिफोर मतलब पहले बिफोर का मतलब क्या होता है जो चीज़ हो गई है कि बिफोर द एग्ज़ाम एग्ज़ाम के पहले वेकेशन के पहले तो इसमें हम बिफोर लगाते आफ्टर का मतलब होता है बाद में ठीक है आफ्टर द गेम आफ्टर दिस वीक तो होता है बाद बाय बाय का क्या मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना जो हम ख़त्म कर लेंगे उस टाइम के पहले पहले ही जैसे कि हम खाना खाना खत्म कर लेंगे बाय दी थ्री ओ क्लॉक तीन बजे तक हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम क्या लगाते हैं बाई का इस्तेमाल करते हैं और फौर, फौर हम तब लगाते हैं जब वो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कब तक चलेगी यानी कि ये काम चलेगा दो हफ्ते तक फॉर टू वीक्स मतलब वो काम कब तक चलेगा जितना टाइम हमें दिया है तो वो हमें बता रहा हो कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो इतनी देर तक चलेगी तो हम क्या यूज करेंगे फॉर का इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो ये सारे आते हैं आपके प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में तो अब हम करेंगे सी वन पार्ट रेड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस बिलो एंड लिस्ट देम अंडर द करेक्ट प्रीपोजिशन हमने इनको करेक्ट प्रीपोजिशन के अंडर लिखना है ठीक है ये चीज़ें आपको दी हुई हैं तो सबसे पहले इंड में क्या आएगा तो हमें बताया था कौन कौन सी चीजें आती हैं तो इसमें आप लिखेंगे नाइनटीन एट दूसरा आएगा द आफ्टरनून तीसरा आएगा द इवनिंग चौथा आएगा अक्टूबर और पांचवा आएगा विंटर ऑन हम किसमें लगाते थे जब हमें कोई महीना दिया हो या फिर कोई संडे वनडे दिया हो ठीक है तो यहाँ आप लिखेंगे जून सेकेंड अक्टूबर थर्सडे मॉर्निंग संडे होली एट में हम क्या लिखेंगे हाफ पास टू नाइट ओके अब आता है सी टू पार्ट यहां पे आपको कुछ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दिए हुए हैं ऑप्शंस में आपने सही वाले पे टिक लगाना है नंबर वन मिस्टर डैनियस ट्रेवल टू सिंगापुर इन ये देखते हैं क्या होगा यहाँ पे इन द समर ये ठीक लग रहा है इन क्वार्टर पास्ट आवर नहीं ये बोल रहे हैं कि चार बजे के बाद तक पहुँचे लेकिन उसमें इन का इस्तेमाल नहीं होता और आगे फ्राइडे दिया है यानी कि वीक दिया है वीक के आगे भी हम क्या है इन नहीं लगाते हैं ऑन लगाते हैं राइट right? तो कौन सा आएगा ए पार्ट द समर नंबर टू द म्यूजियम क्लोजेज एट एट मतलब एग्जैक्ट टाइम बताया है कब बंद होता है तो इसमें आएगा बी पार्ट फाइव पी आगे थ्री जूली वॉज नॉट वेल ऑन ऑन मतलब कि किस दिन नहीं होगी मॉर्निंग तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इसके आगे इन लगता है टू थाउजेंड थ्री अब पूरे साल तो नहीं होगी ना वो बीमार तो क्या आएगा बी पार्ट ऑन वेटनेसडे नंबर फोर आई वॉज बॉर्न इन इन मतलब वो अपना एग्जैक्टली exactly बर्थडे बता रही है तो फोर्थ पार्ट में क्या आएगा ऑन टू थाउजेंड एंड टू जब जनवरी वगैरह लग जाता तो इसके आगे अगर पूरा ये डेट दी जाती है तो इसमें हम क्या लिखते हैं आई वॉज बॉर्न इन दी लगता है राइट तो इसलिए इसका आएगा फर्स्ट पार्ट टू थाउजेंड टू फिफ्थ द स्कूल डज नॉट ओपन ऑन अब किस दिन स्कूल नहीं होता है तो इसका आएगा सी संडेज को नंबर सिक्स कैन यू कम एट अब ये पूछ रहा है क्या तुम आ सकते हो कब तो यहाँ के लिए सिक्स पार्ट में हम लिखेंगे सी सिक्स ओ क्लॉक इन मॉर्निंग ठीक है एट है तो एग्जैक्ट टाइम हमें भी बताना पड़ेगा कि कब सेवन शाकिरा विल बी इन चेन्नई फॉर फॉर मतलब कितने टाइम तक होगी राइट तो इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं आता तो इसमें आएगा ए पार्ट फॉर अ वीक एक हफ्ते के लिए नंबर एट Jasmine विजिटेड मी ऑन अब जैस्मिन मुझे कब मिलने आई थी तो यहाँ पे ऑन दिया हुआ है तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे वेटनेसडे कब आई थी वेटनेसडे को C3 part fill in the blanks with the correct preposition of time. Number 1: April come before July. Number 2: We go to bed after dinner. Number 3: Neeta practices the piano for one hour every day. Number 4: The competition starts at half past 9, so you must reach there by 9. नंबर फाइव द स्कूल विल क्लोज अ वीक बिफोर द एग्ज़ाम्स आफ्टर द एग्जाम्स द वेकेशन विल स्टार्ट ओके तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है आगे जो भी आपको पार्ट दिए गए हैं वो आपने स्टोरी पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं तो बच्चों ये आप खुद कर लेना तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे